हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स डिजाइनिंग के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ 20x50 का। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसका साइज है 20x50। एक मेरे भाई ने मुझे कमेंट किया था, मुझे 20x50 का प्लान चाहिए दो दुकान के साथ, तो मैंने उनके लिए डिजाइनिंग की है। अगर आपका भी कोई प्लॉट पड़ा है तो आप भी इस तरीके से डिजाइन करा सकते हैं। अगर आपका और कोई साइज का प्लॉट पड़ा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अपने साइज का नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसमें डिजाइन कर दूंगा। पढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के प्लान की ओर। आज का प्लान है हम लोगों का 20x50 का। जैसा कि आप देख सकते हैं 3D डिजाइनिंग में पूरा 20x50 कम्प्लीटेड बना हुआ है। 3D डिजाइनिंग में पूरा देख सकते हैं आप, ये दो दुकान है यहाँ पे। अब मैं आपको इसकी बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ, इसमें बेडरूम कितने हैं, दुकान कितने बाई कितने की है और बेडरूम का साइज कितना है, सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले बात आती है मेन गेट की। आपका मेन गेट है, मेन गेट मैंने 3 फिट का दिया है, मेन गेट मैंने 3 फिट का दिया हुआ है। मेन गेट से अंदर जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, देख सकते हैं आप, ये आपकी गैलरी है 3 फिट की, ये आपकी गैलरी है 3 फिट की। इसके बगल में दो दुकानें दी हुई मैंने, देख सकते हैं आप। दुकानों का साइज है 8x12, इसका भी साइज है 8x12, इसका भी साइज है 8x12। एक दुकान में मैंने गेट लगाया हुआ है, घर में अंदर जा सकते हैं दुकान से डायरेक्ट, दुकान से आप डायरेक्ट घर के अंदर आ सकते हैं। शटर मैंने 7-7 फिट का लगाया हुआ है, इस तरीके 7 फिट है, ये भी 7 फिट। उसके बाद तुरंत घर के अंदर आने के बाद आपको तुरंत सबसे पहले आपको एक जीना मिल जाएगा। जीने का साइज है 3 फिट, ये 3 फिट, ये मतलब 6 फिट में जीना ये बना हुआ है। उसके बगल में आपको एक बेडरूम मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सा 10x10 का, ये आपको बेडरूम मिल जाएगा 10x10 का। अगर आप बैठक बनाना चाहते तो बैठक बना सकते हैं, 10x10 का इसका साइज है। इसमें एक खिड़की लगी है और एक गेट भी लगा है। उसके बगल में आपको एक लैट्रिन बाथरूम मिल जाएगी कम्बाइंड 7x4 की, 7x4 की आपको लैट्रिन बाथरूम मिल जाएगी। उसके बगल में आपको एक बेडरूम मिल जाएगा एक बड़ा सा 15x10 का, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से बना है तिरछा थोड़ा 15x10 का। इसमें लैट्रिन बाथरूम है, अटैच्ड है ये रूम, देख सकते हैं ये रूम में लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड है, ये देख सकते हैं। इस लैट्रिन बाथरूम का साइज है 8x3, 8x3, इस लैट्रिन बाथरूम का साइज है 8x3। ये आपकी ये किचन है बहुत ही प्यारी सी, इसका साइज मैंने दिया 8x8, इसका साइज मैंने दिया 8x8। इसमें एक खिड़की लगाई है, गेट भी लगी है, सब कुछ। अब बात आती है फर्स्ट फ्लोर की। जीने से आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद आपको इस तरीके से देखिएगा, देख सकते हैं आप, जीने से आप आएंगे उसके बाद आपको बगल में आपको बेडरूम मिल जाएगा, वही नीचे जैसा सेम, इसका साइज 10x10 है। उसके बगल में आपको लैट्रिन बाथरूम मिल जाएगी एक कमाइल 4x7 की। उसके बगल में आपको 15x10 का बेडरूम मिल जाएगा, इसमें लैट्रिन बाथरूम ऐड है। किचन मिल जाएगी 8x8 की, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छा स्पेस है, यहाँ पे खटिया भी डाल के बैठ देख सकते हैं इस तरीके से आपका स्पेस है यहाँ पे। ये आपको एक बेडरूम मिल जाएगा एक, ये बड़ा सा, इसका साइज है 12x11, इसका साइज है 12x11। इसमें खिड़की भी लगी है, गेट भी लगा है, यहाँ पे भी एक खिड़की लगी है, गेट भी लगा है। यहाँ से आप इधर पे आ सकते हैं, इसके बाद आप उस रूम में जा सकते। अब बात आती है सेकंड फ्लोर की। जिन्हें से ऊपर आना, ऊपर आने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, देख सकते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले आपको एक बेडरूम मिल जाएगा 10x10 का, उसके बगल में आपको एक लैट्रिन बाथरूम मिल जाएगी 4x7 की, फिर आपको 15x10 का बेडरूम मिल जाएगा, इसमें लैट्रिन बाथरूम ऐड होगी।
फिर आपको किचन मिल जाएगी 8x8 की, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा बहुत ही अच्छा सा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप खटिया डाल के बैठ सकते हैं आराम से, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 12x11 का एक बेडरूम मिलेगा, ये जैसा कि मैंने नीचे दिखाया था आपको, इसमें भी एक खिड़की और गेट लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी मैंने डिजाइनिंग की है, उम्मीद करता हूँ आपको मिलान मेरा बहुत ही पसंद आया होगा। देख सकते हैं फ्रंट से भी काफ़ी अच्छा मैंने डिजाइन किया है, देख लीजिए यहाँ भी देख सकते हैं इस तरीके से मैंने डिजाइनिंग की है, यहाँ भी इस तरीके से ग्लास का यूज किया है, यहाँ मैंने बल्ब लगाए हुए हैं इस तरीके से। यहाँ पे अपना नॉर्मल पेड़ लगा सकते हैं आप, ये हल्का सा, ये आपकी अटिया है कंप्लीटेड बनी हुई इस तरीके से, ये आपकी कंप्लीटेड बनी हुई, काफ़ी अच्छा मैंने डिजाइन किया। उम्मीद करता हूँ मेरा प्लान बहुत ही पसंद आया होगा आपको, अगर मेरा प्लान पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, अगर आप भी कोई मुझसे कोई प्लान डिजाइन कराना चाहते हो कमेंट और कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट कर दूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।